हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक दो दिन पहले आप लोगों को एक खबर सुनाई थी कि पबजी बैन हो गया एंड उस पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट भी किया था एंड बहुत सारे लोग को ये भी सोच रहे थे कि पबजी बैन तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा गेम था या कुछ भी। तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि क्यों बैन हुआ एंड दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ ही बोल सकते थे। एंड दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी लाया हूँ, तो आप आज की हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि दोस्तों गुड न्यूज़ सुनकर आपको हो सके तो बहुत ही खुशी मिले एंड आप बहुत ही खुश हो जाए क्योंकि दोस्तों वो पबजी से रिलेटेड न्यूज एंड वो दोस्तों जो हैप्पीनेस वाली न्यूज हुआ है। दोस्तों हो सके तो दोस्तों इंडिया में पबजी बैन हट सकता है एंड पबजी बहुत ही जल्द इंडिया में वापस से आ सकता है एंड अनबैन हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो, कुछ मतलब एक हफ्ते पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन घोषित कर दिया था एंड अदर 116 ऐप्स को एंड पबजी मोबाइल एंड पबजी लाइट को भी बैन किया था। बट अब जो न्यूज आ रही है दोस्तों कि पबजी मोबाइल हो सकता है कि इंडिया में वापस से आ जाए एंड आप भी उसको प्ले कर सके, अच्छा अपने मतलब मजे के लिए उसको यूज कर सके एंड पबजी मोबाइल आप फिर से खेल सके। दोस्तों अगर सबसे बड़े कन्फ्यूजन की बात करें तो वो आती है कि पबजी मोबाइल क्या एक चाइनीज ऐप है या चाइनीज गेम है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि पबजी एक चाइनीज ऐप है, इसी कारण इसको बैन किया गया है एंड बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, एक पबजी एक चाइनीज ऐप नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखना जिससे आपको पबजी के बारे में ये न्यूज के बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हो, अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे जाके पबजी मतलब पबजी मोबाइल के बारे में तो वो वहाँ पे बताता है कि ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, ये किसी तरह से एक चाइनीज कंपनी को नहीं मानता है। अगर आप पबजी मोबाइल की बात करें, पबजी पीसी की बात करें तो वो दोस्तों एक तरफ से साउथ कोरियन गेम ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेंसेंट पबजी मोबाइल जो है, जो दोस्तों जो हम जो मोबाइल पर खेलते हैं, पीसी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, जो हम मोबाइल पर खेलते हैं उन वो जब अगर आप स्टार्ट करते हो तो दोस्तों पहले वहाँ पर टेंसेंट लिखा होता है। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि साउथ कोरियन कंपनी जो पबजी है उन्होंने टेंसेंट के संग मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं दोस्तों पार्टनरशिप की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंसेंट एक बहुत ही बड़ी चाइना की गेम कंपनी है एंड उस टाइम पर जबकि पबजी जब साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था तो उतना फेमस नहीं था एंड इसको फेमस कराने के लिए उन्होंने टेंसेंट के साथ ये पार्टनरशिप ज्वाइन की थी। बट अब जबकि दोस्तों इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया है जिससे टेंसेंट को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, यहाँ तक दोस्तों रूमर्स निकलते हैं कि 34 बिलियन के, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। एंड इसी कारण से यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ दोस्तों, इसी कारण से ये जो मतलब साउथ कोरियन कंपनी पबजी है वो टेंसेंट के संग अपने हो सके तो दोस्तों पार्टनरशिप को तोड़कर ये फ्रेंचाइज मतलब पबजी मोबाइल की जो फ्रेंचाइज है दोस्तों वो टेंसेंट के संग अपने पार्टनरशिप को तोड़कर वापस से हो सके तो मतलब इंडिया में लॉन्च कर फिर से पबजी मोबाइल को एंड वो दोस्तों हो सकता है लॉन्च होने में एक दो दिन में। तो दोस्तों बैन अनबैन का कोई मतलब छोटा मोटा तो गेम नहीं है दोस्तों, बैन कर दिया एंड कल अनबैन कर दिया, इसको मतलब वापस इंडिया में लाने में हो सके 15-20 दिन या दोस्तों 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों आगे में जो वीडियो है वो आपको मैं गूगल पे भी जाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों गूगल में अगर आप जाकर सर्च करोगे पबजी न्यूज़ के बारे में एंड आप वहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये दो सामने में 6 घंटे पहले या 5 घंटे पहले आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों, टू गेट इंडिया बैन रिजर्व साउथ कोरिया पबजी डिसाइडेड टू पुल प्लग ऑन चाइनीज पब्लिशर टेंसेंट गेम्स। इसका दोस्तों मैंने हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, तो इसका हिंदी में अगर दोस्तों हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। भारत के प्रतिबंध को उलटने के लिए दक्षिण कोरिया के पबजी ने चीनी प्रकाशक टेंसेंट गेम पर प्लग खींचने का फैसला किया है। मतलब एक तरफ से साफ साफ दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि मतलब जो पबजी गेम कॉरपोरेशन है वो दोस्तों अपने मतलब टेंसेंट के संग जो पार्टनरशिप या कुछ भी बोले दोस्तों वो उसको हटाने वाली है। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों, पबजी सोल्यूशन इज टू स्टार्ट पब्लिशिंग ऑल गेम्स इटसेल्फ इन इंडिया एंड नॉट बाय चाइनीज टेक मेजर टेंसेंट गेम्स। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि पबजी पब्लिश जो होगा वो दोस्तों खुद से मतलब इटसेल्फ से करेगा, नहीं कि चाइना की कोई टेंसेंट गेम्स या किसी अदर्स चाइनीज कंपनी के द्वारा वो करेगा। आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी आफ्टर पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट वेयर बैन इन इंडिया सिटिंग थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी साउथ कोरिया बेस्ड पबजी कॉरपोरेशन हैज सेट इट वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिसॉल्व द इशू। यहाँ पर बोला गया दोस्तों कुछ हफ्ते पहले पबजी मोबाइल एंड लाइट इंडिया में जो बैन किया गया तो उस पर साउथ कोरिया ने पबजी कॉरपोरेशन ने वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के इसको रिसॉल्व करने के लिए भी बोला एंड पबजी सॉल्यूशन इज टू स्टार्ट पब्लिशिंग ऑल गेम्स इटसेल्फ। और वहाँ पे वो बोल रहा है कि वो खुद से मतलब अपने सारे गेम्स को पब्लिश करेंगे एंड चाइनीज कोई भी कंपनी जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट वाया चाइनीज टेक मेजर टेंसेंट गेम्स, मतलब चाइना के किसी टेंसेंट या कोई भी कंपनी के संग वो मतलब पार्टनरशिप करके ये यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। एंड और दोस्तों अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँ तो आप यहाँ पर और भी जानकारी अच्छी से ले सकते हैं।
एंड दूसरे मैं पेज को ओपन करता हूँ दोस्तों, तो ये पेज मैंने अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा पबजी मोबाइल बैन, पबजी क्रॉप पुल बैक्स एसोसिएशन फ्रॉम टेंसेंट गेम इन इंडिया। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, टेंसेंट हैम रिप्रोडेटली लॉस्ट 34 बिलियन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू जस्ट डे आफ्टर द बैन ऑन 180 चाइनीज ऐप इंडिया। जिस दिन भारत में 118 चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन किया गया था, उसे चाइना की जो टेंसेंट है उसको 34 बिलियन का मतलब धक्का या कुछ भी बोल सकते, मतलब दोस्तों उसको लॉस हुआ था। आप यहाँ पे दोस्तों आके पूरी तरह से वो मतलब जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि साउथ कोरिया की जो पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन है उन्होंने अच्छे से स्टेटमेंट दिया है। ये आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हो दोस्तों, वहाँ पे ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बस आप इस पेज में आइएगा एंड आप स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आइएगा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आपको ये जो लिखा है दोस्तों, हेयर व्हाट पबजी कॉरपोरेशन सेड इन इट्स स्टेटमेंट, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा स्टेटमेंट में, आप यहाँ से पूरे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने बोला है। एंड साफ तौर पर एक दोस्तों अगर सिंगल वर्ड में मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने साफ साफ पबजी को टेंसेंट से मतलब अलग करने का फैसला ले लिया, एंड वो हो सके तो कुछ दिनों या कुछ महीनों में, 15-20 दिनों में या 1-2 महीनों में पबजी वापस से इंडिया में दोस्तों लॉन्च हो सकता है एंड न्यू वर्जन में, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलेंगल का न्यू वर्जन 2.0 बोल सकते हैं वो लेकर लॉन्च होगा एंड पूरा एकदम न्यू एथी में लॉन्च, न्यू वर्जन में लॉन्च होगा, तो उस सब के लिए दोस्तों हो सकता है कि पबजी वापस से इंडिया में अनबैन हो जाए एंड पबजी आप वापस से खेलकर उसका मजा ले सके। तो यही एक छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों, आपको अगर पबजी के बारे में न्यूज़ चाहिए तो आप गूगल पर जाकर सिंपली से सर्च कीजिए पबजी न्यूज़ एंड आप यहां पर आके चेक कर सकते हो कि पबजी हो सके तो इंडिया में अनबैन हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, आप फिर से वापस से पबजी का मजा ले सकते हैं एंड पबजी को वापस से प्ले कर सकते हैं एंड आप ये हो सकते हैं जो भी ये यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते थे वो सब भी वापस से पबजी को खेल सकते हैं एंड ये कर सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी दोस्तों एंड मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना दिया एंड आप वीडियो देख के समझ गए कि पबजी हो सके तो। एंड दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ, मेरे एक फ्रेंड ने सुबह ये बताया कि मतलब उस पबजी जिस दिन बैन हुआ था उसने पबजी को अनइंस्टॉल नहीं किया, बट उस दिन से ही पबजी उसका फ़ोन में चल रहा है एंड ऐसे चल रहा है, बट वो कुछ बाय नहीं कर पा रहा है यूसी या कुछ वो सब बाय नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर आप पबजी मोबाइल या पबजी लाइट को प्ले स्टोर में जाकर सर्च करोगे तो मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं ये अपने प्ले स्टोर में गया एंड मैंने यहाँ पर सर्च किया पबजी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पबजी मोबाइल या पबजी लाइट कुछ भी नहीं शो हो रहा है, तो वो यहाँ से हट गया जिसके कारण जिसके मोबाइल में ये है भी वो भी मतलब कुछ बाय नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, वेट करते हैं पबजी वापस आएगा या नहीं आएगा, पबजी अनबैन होगा कि नहीं, जहाँ तक रूमर्स निकल रहे दोस्तों हो सके तो, क्योंकि जबकि पबजी कॉरपोरेशन जो साउथ कोरियन कंपनी है उन्होंने अपने टेंसेंट के संग साझेदारी तोड़ दी है एंड तोड़ने के बारे में सोच रहे या तोड़ दी है, तो वो अगर टूट भी गई दोस्तों तो इतनी जल्दी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शेयर्स में ये किया है एंड ये अगर बात करें दोस्तों COD कॉल ऑफ ड्यूटी की, क्योंकि उन्होंने टेंसेंट के संग साझेदारी तोड़ी थी तो उनके बहुत ही कम शेयर्स थे जिनके कारण उनको उतना लॉस नहीं हुआ, बट पबजी की जो ये है दोस्तों उनका बहुत बड़ा शेयर एंड टेंसेंट के संग उनको ये अपना तोड़ने में बहुत मतलब धीरे धीरे करके उनको ये करना पड़ेगा एंड हो सके तो पबजी 1 या 2 महीने में वापस से इंडिया में अनबैन होके आ सके, न्यू वर्जन के संग आ सके एंड आप उसका मतलब मजा ले सके, खेल सके वापस से पबजी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी एंड आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आपके पबजी प्लेयर जो पबजी के लिए ये हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।